डेकोरेशन हो चुका है हल्दी का, देख सकते हो। वाह, सही है। नाइस। दुल्हन का मेहंदी का रस्म हो रहा है, हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित, आप सभी का स्वागत है चैनल पे धमाकेदार इमेजिंग एकदम क्रेजी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, काफी लोगों का कमेंट आ रहा था वो मटमंगरा वाले वीडियो में कि रोली दी क्यों नहीं आई, आदर्श के मतलब दीदी की शादी में रोली दीदी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, सबका यही कमेंट था और काफी सारे लोगों का कमेंट था। तो मैं बता दूं ये रही। तो गाइस मैं आ गई। अरे गाइस, ये कहीं गई नहीं थी, बस मटमंगरा जब हो रहा था देखो इसका स्टाइल, ये बना रही थी अपना स्पा करवा रही थी। नहीं रे, कुछ नहीं कराई, बाल कटवाई ना, कटवाने गई थी तो तुम लोग लेट कर दीजिए, मेरा मूड चेंज आ गई, ये कर लो लड़की। तो इसने मतलब गोल गोल देखो कर किया है, शूट हो रहा था वीडियो। और क्या करवाई, बस कुछ नहीं कराई। तो मतलब ये गई थी वही सब करवाने के लिए, तो आई बाद में शाम को आई। तो अभी हम लोग दिखाएंगे गाइस, यहाँ पे सब तैयारी हो रही है, टेंट वेंट लग रहा है यहाँ पे, और उसके बाद गाइस देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट, बाद में बताएंगे। आई विल लेट यू नो लेटर गाइस, ये क्यों नहीं आई ना, इसका भी एक रीजन है, तो उसको आपको मैं घर जाके खुलासा करूंगा शादी के बाद। तो आप लोग है ना, नहीं मेरे शादी के बाद खुलासा करूंगा। अरे मेरी भी शादी होने वाली है ना, अबे यार, तो बाल गीला है ना, मेरी शादी के बाद ही खुलासा करूंगी। तो चलिए बने रही वीडियो में, अभी दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे कितना सारा काम चल रहा है और मंडप वंडप लग रहा है, सब दिखाते हैं आप लोगों को और कैसा क्या लग रहा है सब दिखाएंगे, ठीक है। तो बने रही कंटिन्यू में, आप लोग का जो सवाल था वो तो क्लियर हो ही गया है, तो चलिए अब दिखाते हैं आगे। रहेगा स्टेज जहाँ पे मतलब वो, अरे यार, दूल्हा दुल्हन बैठेंगे वो रहेगा, और यहाँ पे रहेगा झांकी जो कि हम लोग ने किया है पहचान के थे, तो यहाँ पे झांकी रहेगा और वहाँ पे रहेगा खाने वाने का सिस्टम, और ये रहा कुर्सी वर्सी, तो ये सब है। और वहाँ पे मतलब जो खेत में है वहाँ पे रहेगा मतलब मेहमान लोग के लिए बैठने के लिए, और ये मेरे कुछ नए दोस्त। योर नेम देवा। देवा, अच्छा, ये तो गाइस यहीं रहता है आदर्श के बाजू में, उनके क्या चाचा के लड़के ना। चलो घुमाते, तो चलो आप लोग को दिखाते हैं अभी। गाइस यहाँ पे बड़े पापा बैठे हैं और चाचा बैठे हैं और दादा बैठे हैं, देख सकते हो काफ़ी सारी तैयारी चल रही है। और चलते हैं अभी खाना दिखाते हैं। और गाइस मेरा शूज भी आ चुका है जो मैंने मंगाया था, तो दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को मेरा शूज, जो कि गाइस इस शूज के लिए ना बहुत सारे राउंड मारने पड़े और बहुत सारे टिटिम्मा करना पड़ा। अभी दिखाता हूँ, निकालना तो ये रहा। अरे बाप रे, बस कर भाई बस कर, ठीक है बस बस। छेना छेना भी लोग देखते हैं, लोग देखते हैं छेना कैसा बनता है, दिखाता हूँ। सुरती निकाल मिक्स कर दिया, मिला दे वो भाई असली, वही असली टेस्ट है, असली केसर फ्लेवर आए। पहले हम तो जते नहीं चिखा मजा, जितना गजेड़ी रही सब फ्लेवर आए उन्हें भी दिया ना, अलग टेस्ट आया। ये छेना बना था, छोड़ो ये देख कर, देख कर सीढ़ा है क्या, पानी पानी मुलायम सब दिखाओ, अब दिखाओ छेना, पियर का छेना, उजर का छेना, ये छेना बना था, यार तो बनावत रहने यार, हलवाई रहने था इन। हम भैया वो खाना था गोभी, लेकिन हम गलती से का करी, हम कहीं कुछ दिखाए दी, थोड़ा दूर रह वहाँ टहकाए दी हथवाई पे। तो गाइस हम लोग का ना मतलब हम लोग मैं और मुलायम गए थे मछली शहर, तो मतलब ना गाइस यहाँ पे सब बन रहा था, खाना वाना सब बन रहा था, ठीक है। और मेन था अदरक और मिर्ची, हमारे पास था 5-5 किलो, तो ये लोग को लगा ये अभी आएंगे अभी आएंगे। हम लोग गाइस 3 बजे गए तो 6 बजे आ रहे हैं, इतना गाली खाया गाइस, इतना गाली खाया दोनों ने, मैं वहाँ से गाली खा रहा हूँ, मैं इसको गाली दे रहा हूँ, मैं वहाँ से खा रहा हूँ, मैं इसको गाली दे रहा हूँ। तब बाद में लेट गए, तब गाइस मेरी मन मतलब एकदम डर गया था कि अब क्या होगा, अब तब क्या होगा। तो चले चलते हैं, वो बाद में बताता हूँ ना। मुलायम फटी थी कि नहीं, सच सच बता, दीदी के पास जाने के लिए फट रही थी ना, सही बता, हिम्मत ना एकदम यार जाए के बोल दी। और इसको मैंने बहुत गरिया है गाइस, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था,
चल कोई नहीं, चल हो गया जवान हो गया कहो। लेकिन क्यों उसका मत कहे ना, अरे क्यों उसने कहे कहाँ की उसका है, हाँ हाँ कहाँ की उसका है हो नहीं क्यों उसका मत। पेज का पेमेंट अगर इस महीने आ गया ना तो मैं तुरंत आईफोन 15 ले लूंगा एक ही महीने में। अगर इस बार पेमेंट आ गया तो तुरंत आईफोन 15 आ जाएगा मेरे हाथ में। मेहंदी कुछ चलो सही तो लगाया है सजावट है ना हम अब खोल मत दीदी ते कहा है ये पूरा खोल देता है वो छुआ। दुल्हन का मेहंदी का रस्म हो रहा है हो चुका है नीचे लगा जाता ना मेकअप हो गया अभी अभी हल्दी भी हो गया ना शाम में मोट हो जा जाए देख सकते सही चल ले रुक बलवा एक झाड़ दी तनी रखत है चला बलवा रह जाता पहले तू बच्चे बच्चे तेरी कैरी में आंटी देखा है कि नहीं देखा है ना पहले बोल बच्चे तेरी नहीं देखा कुछ भी घास भूसा कुछ भी अरे बच्चे तेरी जो कैरी में आंटी बोलता है ना कहा कछुआ चला तोहरा ब्याह हो जल्दी है आदर्श की शादी होगी अब जल्दी अगली साल तक। अच्छा सिनेमैटिक तो आए सोफे के कोने में मैंने काम लिया है यहाँ का कैसा लग रहा है बताओ दूर मत लगा फांसी रहे कोने में इसके लगा नहीं इतना मत जहाँ तक दुल्हन रहेगी वहीं तक लगाना। हाँ एक इधर लगा इसको और पास कर रहे दिख रहा है क्या इसको और इधर कर बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसको ही थोड़ा खींच दे इधर बीच में आएगा इसी को लगा दे घर जाएगा बस इसको निकाल इसको लगा दो हाँ इसपे लगा के ढक जाना चाहिए कैमरा हो जाएगा नीचे से डेकोरेशन का काम रोलिंग चल रही है कहाँ गया आदि उसको बुलाओ बुला लिया रुको मैं बुला के लाता हूँ पहले इसे रोक ले फ्लैश ऑन हो जाए तब पहले डेकोरेशन हो चुका है हल्दी का देख सकते हो वाव नाइस ये सब हम लोग ने मिलके किया ये मुलायम ये सब हम लोग तो लिया ले तो गाइस फाइनली आप लोग डेकोरेशन सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना आप लोगों का काफ़ी कमेंट था इसलिए मैंने बनाया था। तो अभी होने जा रहा है हल्दी का फंक्शन वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा यानी कि अभी इसके बाद वाले ब्लॉग में। तो ये मैं अभी जा रहा हूँ शूट करने हल्दी का ब्लॉग तो आप लोग गाइस सस्पेंस में रहिए और देखना गाइस बहुत मज़ा आने वाला हल्दी का ब्लॉग। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना और गाइस सब्सक्राइब जरूर करो यार गाइस ग्रो कराओ चैनल को जल्दी जल्दी और मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। कल भाई कल बेचारा कहत आधी रात वीडियो बनवाता तो सब्सक्राइब करे में कहा जाता कुछ जाता कुछ ना जाता बल्कि नया नया वीडियो ही मिले देखे थे तो चलो।